लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज कार्तिक अमावस का शुभ दिन है। सभी का ध्यान उस पर रहेगा, पूरा गांव उस जुलूस में भाग लेगा। उस चंद्रकांत और उसके बेटे के सिवाय अस्पताल में कोई नहीं रहेगा। इस मौके का फायदा उठाकर मरकर जिंदा होने वाले उस कुमार को हम फिर मारेंगे। अगर कोई हमें देखे उसे भी खत्म कर देंगे। वीरों को मारने वालों को तो मैंने देखा है, पर लाश को मारने वाले तुम जैसों को आज पहली बार देख रहा हूं। ए, मेरा बेटा तभी मर गया था, उसे मारने वाले तुम ही हो। ये सच बाहर लाने के लिए ही मैंने झूठ बोला कि वो बच गया है। मेरा बेटा जब जिंदा था तब उसकी वजह से ठाकुर साहब को अपना सर झुकाना पड़ा, लेकिन इसकी लाश उनके काम आई। ये है हमारे परिवार की वफादारी। अपना जुर्म कबूल कर खुद को कानून के हवाले करना चाहते हो या मेरे हाथों मरना चाहते हो? माना कि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी कुमार से हमारा बहुत बड़ा रिश्ता है। मैंने तुम्हें खुद को कानून के हवाले करने का मौका दिया, लेकिन तुमने कानून का ही गला घोंट दिया। ये उस जमाने में प्रतापगढ़ के राजाओं की भैरव खड़ग है, जुल्म करने वालों को काट डालने वाला हथियार। तुम्हारे हाथ में हथियार है, हम निहत्ते हैं। Ah!
हो जाओ, वो केवल दुष्ट ही नहीं महान नीच है। इस कार्तिक अमावस्या की पुण्य तिथि पर उनका खून इस मिट्टी पर पड़ जाए तो वो स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, शांत हो जाओ। भवानी प्रताप सिंह, भवानी प्रताप सिंह, नहीं पिताजी, उसके सामने हाथ मत जोड़िए। आप हमेशा अपनी इज्जत को जान से भी बढ़कर मानते आए हैं। पहले इज्जत के लिए माँ को मार दिया था, फिर दीदी को। आप अगर हाथ जोड़कर सर झुकाएंगे तो मेरा जो अपमान हुआ उसका क्या होगा? मुकाबला कीजिए पिताजी, जान के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। शिवनागेश्वरी, ये लोग मुझसे लड़ेंगे, अगर मैं एक बार गुस्से से फूंक मार दूं तो उस फूंक की गर्मी से ही जल जाएंगे। नहीं, मेरी आँखों में जो इंतकाम की आग है उसमें तुम सब जलकर राख हो जाओगे। देखो, मेरी आँखों में देखो। तुम्हारी आँखों में भक्तों की आँखों में जैसे भगवान दिखाई देते हैं वैसे ही मैं दिखाई दे रहा हूँ। मैं नहीं मानूंगी, तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुमसे लड़ूंगी। हाथों में दबोच लिया तो परिंदे की तरह फड़फड़ाएगी। छे, तुझसे मैं क्या लड़ू? मरने से डरते हो, ये मानते क्यों नहीं? भीष्म को भी शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने मारा था, आज इतिहास बदल कर शिखंडी बनी तू मुझे मारना चाहती है? बेशक मार सकती है, मार। क्यों घबरा गई? अगर मुझे खरोंच भी आई तो मेरे लोग तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देंगे, सोच रही है? सबको मेरी कसम, अगर ये मुझे मारना चाहती है तो इसे मारने की इजाजत मैं खुद देता हूं, इसे कोई कुछ नहीं करेगा। मार। मारना तो दूर, मेरी वजह से एक औरत मर जाए तो मैं प्रतापगढ़ का सपूत नहीं। तुम्हारी खुद को मिटाने की कोशिश ही ये जाहिर करती है कि तुम पश्चाताप की आग में जल रही हो, और पश्चाताप से बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं। शिव नागेश्वरी, औरत को तुमने गलत समझा है। खून और बदले की भावना से तुम औरत को देख रही हो। औरत तो प्यार और ममता का प्रतीक है। औरत काली के रूप में नहीं, दुर्गा के रूप में अच्छी लगती है।
मुझे भा गए, तुम्हारा अंदाज मुझे भा गया। लड़ाई से पहले अगर तुम हमारे घर आते और मैं तुम्हें देखती तो मैं अपना दिल तुम्हारे कदमों में डाल देती। मैं तुमसे बदला ले रही हूँ सोचकर तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन इसकी वजह प्यार है, ये मैं आज जान सकी। इस जन्म में श्रुति तुम्हारी पत्नी है, इसके बाद अगर कोई जन्म है तो तुम्हारी प्रेमिका बनकर मैं तुमसे शादी करूंगी। संध्याकालीन पूजा का समय हो गया भवानी, चलो। जय चंद्रकेश्वर।